हिंदी साहित्य में दो अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, विसंगति तथा विडंबना, और इन पर आधारित प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम इन दोनों अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम देखते हैं विसंगति, जिसे विरोधाभास भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विडंबना। तो विसंगति या विरोधाभास का अर्थ एक ही है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि विसंगति और विरोधाभास दोनों का अर्थ एक ही है। विसंगति या विरोधाभास का अर्थ एक ही है, इसे अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहा जाता है। विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास, जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, तब उसे हम कहते हैं विरोधाभास या फिर विसंगति। संस्कृत साहित्य में विरोधाभास एक अलंकार है। मम्मट मम्मट नाम के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं संस्कृत साहित्य में। तो मम्मट के अनुसार अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद्वच, इन्होंने काव्य प्रकाश में लिखा है अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, अर्थात जहां विरोध ना होने पर भी विरोध की प्रतीति हो वहां विरोधाभास होता है, अर्थात विसंगति होती है वहां। मतलब जहां पर विरोध न होने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर विरोध है, तब उसे कहा जाता है विरोधाभास। ऐसी काव्योक्ति, काव्योक्ति मतलब काव्य के रूप में कही गई उक्ति या कोई बात, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब विचार, अथवा भावाभिव्यक्ति, भावाभिव्यक्ति मतलब भावों की अभिव्यक्ति। ऐसी काव्योक्ति, प्रत्यय अथवा भावाभिव्यक्ति जिसमें परस्पर विरोधी तत्वों, विचारों अथवा भावों का अंतर्विरोध दृष्टिगोचर होता है, परंतु गहराई से समझने पर उनमें अंतर विरोध ना हो, वहां विसंगति या विरोधाभास होता है। जब हम किसी काव्य के रूप में कही गई उक्ति को पढ़ते हैं, किसी विचार को पढ़ते हैं, अथवा हम किसी साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति को देखते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि दो विरोधी बातों को, दो विरोधी तत्वों को, दो विरोधी विचारधाराओं को उसमें शामिल किया गया है, अर्थात उनमें अंतर विरोध है, लेकिन वास्तव में उनमें विरोध नहीं होता। गहराई से जब हम जाकर देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में उनमें विरोध नहीं होता। इसे ही विरोधाभास अथवा विसंगति कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विरोध का प्रत्यक्षता तो आभास हो, परंतु तात्विक दृष्टि से उनमें बुद्धिसंगत विरोध ना हो, अर्थात पढ़ने पर अथवा सुनने पर हमको ऐसा प्रतीत हो कि उसमें दो विरोधी विचारधाराएं अथवा तत्व शामिल हैं, लेकिन बुद्धि संगत ढंग से अपने दिमाग से जब हम उसका अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तब हम पाते हैं कि उनमें विरोध नहीं है। इसे ही विडंबना अथवा विसंगति कहा जाता है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में विरोधाभास एक विरोधमूलक अलंकार है ना। विरोधाभास को हिंदी साहित्य में विसंगति कहा जाता है, लेकिन विरोधाभास वास्तव में एक विरोधमूलक अलंकार है। मम्मट के अनुसार, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, जहां विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति हो वहां विरोधाभास होता है। जैसा कि ऊपर मम्मट ने कहा है अपने काव्य प्रकाश में, जहां विरोध न होने पर भी विरोध प्रतीत होता है वहां पर विरोधाभास होता है, जिसे हिंदी साहित्य में विसंगति कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी की निम्न पंक्तियां भी विसंगति या पैराडॉक्स का अच्छा उदाहरण है। ये देखिए महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। अभी आग हूं, यहां पर लिखा है आग और यहां पर लिखा है हिमजल, हिमजल। तो यहां पर आग हिमजल कैसा हो, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, मतलब आग से बर्फीली बूंदे या ठंडी बूंदे कैसे लुढ़क सकती है ना। क्या आग से पानी उत्पन्न हो सकता है, वह भी बिल्कुल ठंडा पानी। तो यहां पर विरोधाभास अथवा विसंगति है। इसके बाद नई आलोचना में जिस पैराडॉक्स की चर्चा है वह हिंदी शब्द विसंगति से अनुदित किया गया है। नई आलोचना, नियो क्रिटिसिज्म में जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है, वह वास्तव में हिंदी के विसंगति शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है। यह विसंगति वास्तव में विरोधाभास अलंकार ही है। विसंगति विरोध में ही अंतर्निहित है। विसंगति किस में अंतर्निहित है, विरोधों में। मतलब दो चीजों को जब हम पढ़ते हैं उनमें विरोध प्रतीत होता है, तो वहां पर विसंगति अथवा विरोधाभास होता है। विसंगति से जो वक्रता पैदा होती है उसके अनेक उदाहरण हिंदी में भरे पड़े हैं। विसंगति से जो काव्य में वक्रता पैदा होती है, जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, सौंदर्य की जो अनुभूति होती है, उसके बहुत सारे उदाहरण हिंदी साहित्य में हैं।
जैसे कि जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है आंसू, उसमें उन्होंने लिखा है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। अब ज्वाला शीतल कैसे हो सकती है? ज्वाला है जो आग है, वह ठंडी कैसे हो सकती है? ईंधन होता दृग्जल का, और आंखों का जल ईंधन बन जाता है। ईंधन होता दृग्जल का मतलब आंसुओं का ईंधन उत्पन्न होता है। मन में जो ज्वाला जल रही है वो शीतल कैसे हो सकती है? तो यहां पर आग को शीतल या ठंडा बताया गया है, तो यहां पर विसंगति अथवा विरोधाभास है। परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखते हैं उदाहरण देना अनिवार्य है। उदाहरण देंगे तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। यह हमने देखा विसंगति अथवा विरोधाभास, जिसे अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे विडंबना। विडंबना को अंग्रेजी में आयरनी कहा जाता है। व्युत्पत्ति मतलब यह कहां से उत्पन्न हुआ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करें तो आयरनी शब्द ग्रीक शब्द इरोनिया से बना है ना। आयरनी शब्द कहां से आया? ग्रीक शब्द इरोनिया से उत्पन्न हुआ है। यूनानी कामदी का एक पात्र इरोन अपने आचरण और भाषण की पद्धति के लिए विख्यात था। कामदी मतलब कॉमेडी। यूनान में जो कॉमेडी रचनाएं, जो नाटक लिखे जाते थे, उनका एक पात्र था इरोन। और वह इरोन नाम का जो पात्र था अपने आचरण, अपने कार्य व्यवहार और अपने भाषण की पद्धति के लिए प्रसिद्ध था। वाक्पटुता थी, उसमें बहुत अच्छा बोलता था। उसके आचरण और संभाषण की रीति को इरानिया कहा जाता था। तो वह इतना प्रसिद्ध हुआ वह पात्र कि उसके जो आचरण था, कार्य व्यवहार था, और उसके जो बोलने का जो तरीका था, व्याख्यान का जो तरीका था, संभाषण का, वार्तालाप का, इस पद्धति को कहा गया इरोनिया। इरोनिया कहा जाता था इसको। इस तरह आयरनी शब्द का लाक्षणिक प्रयोग साहित्य में गृहित हुआ। तो इस प्रकार जो आयरनी शब्द है उसे साहित्य में ले लिया गया लाक्षणिक रूप से। तीन शब्द संज्ञा होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा को पढ़ने से तुरंत हमको पता चलता है कि लेखक या कवि क्या कहना चाहता है। लक्षणा के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, क्योंकि जो कहा जा रहा है उसके बजाय कोई दूसरी बात की ओर संकेत किया जाता है, उसे कहा जाता है लाक्षणिक। तो इस तरह आयरनी शब्द साहित्य में ले लिया गया। तो इरोन नाम का जो पात्र था वह क्या करता था, शांत रहकर भी अपने प्रतिद्वंदी की दुष्टता को ध्वस्त कर देता था। वह बहुत शांत रहता था, गंभीर रहता था, उसके बावजूद भी अपने तर्कों के द्वारा वह अपने विरोधी को पराजित कर देता था। इस तरह अपने प्रारंभिक अर्थ में आयरनी किसी अंधविश्वासी दंभी पात्र के पतन में लक्षित होती है। मतलब कहां पे दिखाई देता है, किसी नाटक या किसी उपन्यास या फिर किसी भी प्रकार की कहानी में जो दंभी पात्र है, अंधविश्वासी पात्र है, उसका जब पतन हो जाता है, समापन हो जाता है, समाप्ति हो जाती है उसकी, तो इसमें आयरनी घटित होता है। सौभाग्य की कामना करने वाले दंभी के दुर्भाग्यपूर्ण पतन में आयरनी अंतर्निहित है। विडंबना कहाँ निहित होती है, जैसे कोई सौभाग्य की कामना करता है, जैसे महाभारत में दुर्योधन है या रामायण में जो रावण है, वह सोचता है कि अंत में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, है ना। दुर्योधन सोचता है साम्राज्य की प्राप्ति होगी, रावण सोचता है सीता की प्राप्ति होगी, लेकिन वास्तव में वे अपने पतन को आमंत्रित करते हैं और अंत में उनका पतन हो जाता है। तो इसी में यह विडंबना निहित है। प्रयोग के आधार पर विडंबना आयरनी के कई रूप मिलते हैं। मतलब विडंबना के कई प्रकार होते हैं। एक प्रकार है सुकराती विडंबना, है ना, सुकरात की विडंबना, सोक्रेटिक आयरनी, ये लगभग वही वही है। सुकरात अपने विरोधी के तर्कों को सहज रूप से सुनते थे, तदुपरांत अपने अकाट्य तर्कों से उसे पराजित कर देते थे। उनकी प्रश्नोत्तर प्रणाली से पतितोन्मुख व्यक्ति की पराजय की अनुभूति में ही विडंबना निहित मानी गई है। हीरोन की तरह जो सुकरात नाम के दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, वह भी तर्क में सिद्धस्त थे और अपने तर्कों के माध्यम से अपने विरोधी को पराजित कर देते थे। तो वह विरोधी जो व्यक्ति है उसमें जो पराजय की अनुभूति है उसी में विडंबना निहित है। उस व्यक्ति में जो पराजय बोध उत्पन्न होता है कि मैं तर्कों से पराजित हो गया, तो इसी में विडंबना निहित है, इससे विडंबना का जन्म होता है। एक त्रासदी नाटक हुए हैं, ट्रेजेडी राइटर जो हुए हैं यूनान में, सोफोक्लीज, उनका एक नायक था इदिपस। इदिपस नाम का जो नायक था बहुत ही अहंकारी था और अपने अहंकार और पापाचार के कारण दैव योग से आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा। इडिपस नाम का एक व्यक्ति था जो अज्ञानता बस अपनी माँ से शादी कर लेता है और बाद में जब उसे पता चलता है तो वह आत्महत्या कर लेता है ना। वह बहुत ही अहंकारी था। तो यह मनोविश्लेषणवाद का जब आप मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस विषय में बताया हुआ है।
तो यह अपने अहंकार के कारण और अपने पाप के कारण वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। तो यह विडंबना, इसमें विडंबना नहीं थे। रावण और दुर्योधन के पतन में भी उनका दंभ और अहंकार पूर्ण आचरण ही उनके दुखद पतन के लिए उत्तरदायी। रामायण में रावण का पतन होता है और महाभारत में दुर्योधन का पतन होता है, और दोनों ही दंभी और अहंकारी थे, बहुत ही घमंडी थे, और इसीलिए यह आचरण ही उनके पतन के लिए उत्तरदायी है, और इसलिए दोनों की स्थिति क्या है, विडंबनापूर्ण है। तो विडंबना का वास्तव में शाब्दिक अर्थ होता है किसी की नकल उतारना, किसी को चिढ़ाना, किसी की निंदा करना, किसी का उपहास करना, यह इसका शाब्दिक अर्थ होता है विडंबना का। तो इन सब बातों के आधार पर आप समझ सकते हैं विडंबना क्या है। विडंबना का एक रूप शाब्दिक विडंबना है, वर्बल अरणी, अलग अलग प्रकार है विडंबना के। शाब्दिक विडंबना में कोई पात्र जाने अनजाने ऐसा कथन प्रस्तुत करे जो कालांतर में प्रस्तुत अर्थ से विपरीत अर्थ में अंतर्घटित हो जाए। विडंबना एक ऐसी खाई है जो खुद ही दूसरों के लिए जाती है, किंतु खोदने वाला स्वयं उसमें गिरकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। मतलब शब्दों के रूप में कुछ ऐसी बात कहना जो बाद में व्यक्ति के पतन का कारण हो जाता है और बिल्कुल उल्टी घटना घटित हो जाती है। जैसे आपने देखा है महाभारत में दुर्योधन का क्या कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दी जाएगी, और अंत में पूरा साम्राज्य उसके हाथ से निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वास्तव में वह पांडवों के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन बाद में उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो यह उसमें गिरकर विनाश को प्राप्त होता है। तो इसमें एक विडंबना है, यह शाब्दिक विडंबना है। और इसके बाद भाग्य की विडंबना, भाग्य की विडंबना आयरनी ऑफ फेट में नाटक में ऐसी स्थितियों का रेखांकन होता है जो नायक चरित्र के लिए भाग्यवश या दैवयोग से अचानक पतन के लिए उत्तरदायी होता है। भाग्य की विडंबना किसे कहा जाती है, मतलब व्यक्ति अपना सही जीवन जीते रहता है लेकिन भाग्य ऐसा परिवर्तित हो जाता है उसका, भाग्य की विडंबना उत्पन्न हो जाती है उसके जीवन में कि अचानक उसका पतन हो जाता है, परेशानी में पड़ जाता है। जैसे आपने रामायण में देखा भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती रहती है, भगवान राम राजा बनने वाले होते हैं, लेकिन मिलता क्या है उन्हें, 14 वर्ष का वनवास। तो यह भाग्य की विडंबना है कि उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ता है, जबकि नायक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसका भाग्य या जो दैव योग होता है उसके कारण उसका पतन होता है या विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसके जीवन में। नाटकीय विडंबना क्या है, ड्रामेटिक अरणी को त्रासिक विडंबना और कॉमिक विडंबना भी कहते हैं। नाटकीय विडंबना कथानक की संरचना में गुंफित होता है या कथा की संरचना में ही होता है नाटकीय विडंबना। दर्शक नायक के त्रासिक अंत से परिचित रहते हैं, किंतु नायक अज्ञानवश अपने क्रिया व्यापार से त्रासिक अंत की ओर अग्रसर होता है, अंततः पतित होता है। आपने देखा होगा अंधायुग, आपने पढ़ा होगा अंधायुग नाटक धर्मेंद्र भारती का, उसमें अश्वत्थामा नाम का जो पात्र है वह वास्तव में अपने पतन की ओर अग्रसर होता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वह अपने पतन की ओर अग्रसर है। अंत में वह ब्रह्मास्त्र चला देता है और उसको शाप मिलता है, जिसके कारण वह जीवन भर त्रासदी झेलता है और उसका पतन हो जाता है। तो यह हो गया नाटकीय विडंबना। इसके बाद शरद चंद्र के उपन्यास देवदास का कथानक कुछ ऐसा ही है। देवदास के त्रासिक अंत का आभास पाठकों या दर्शकों को होता है, किंतु विवश देवदास अनजाने में अपने क्रिया व्यापार द्वारा दुर्भाग्यवश उसी दुखद पतन को प्राप्त होता है। तो यह भी एक विडंबना है। शरद चंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास, जिस पर कई फिल्में बनी हुई हैं, है ना। देवदास दिलीप कुमार की एक फिल्म है, फिर शाहरुख खान की एक फिल्म है देवदास। तो वास्तव में इसका कथानक कुछ ऐसा ही है कि दर्शकों या पाठकों को पता चलता है कि यह त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अनजाने में अपने कार्य व्यापार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा उसका जो नायक है देवदास वह पतन को प्राप्त होता है, उसका पतन हो जाता है। तो यह भी एक त्रासदी है, नाटकीय विडंबना है। व्यंग्योक्ति या कुटोक्ति सभी प्रकार की विडंबना में विद्यमान रहती है। मतलब जो भी विडंबना जब उत्पन्न लेता है तो उस विडंबना में हमेशा व्यंग्योक्ति, व्यंग या कुटोक्ति, कुटोक्ति मतलब व्यंग या उपहास होता है, सभी प्रकार की विडंबना में ये दोनों शामिल रहते हैं। इस तरह विडंबना शब्द एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जिसके कई रूप मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विडंबना भी एक पारिभाषिक शब्द है जिसके कई रूप या कई प्रकार हमें दिखाई देते हैं, हमें मिलते हैं। जर्मन लेखकों फ्रेडरिक शेगल, विशेष रूप से है ना, फ्रेडरिक शेगल नाम के जो जर्मन लेखक हैं, ने 19वीं सदी के प्रारंभ में रोमानी विडंबना, एक नई विडंबना को इन्होंने इसकी व्याख्या की है, रोमानी विडंबना, रोमांटिक अरणी की भी चर्चा की। रोमांटिक विडंबना में
रचना और रचनाकार का सादृश्यमय संबंध उसी तरह माना जाता है जैसे प्रकृति और पुरुष में, ईश्वर और सृष्टि में, अर्थात कम से कम रचना और रचनाकार की सादृश्यमय एकरूपता का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। रोमांटिक विडंबना क्या होता है? जिसमें रचना और रचनाकार को अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे राम की शक्ति पूजा में निराला को हम राम की शक्ति पूजा से अलग करके नहीं देख सकते, है ना? ऐसा लगता है कि राम की शक्ति पूजा के वे स्वयं भी एक पात्र हैं और उन्होंने अपने जीवन के सत्य को उसमें उद्घाटित किया है। जैसा कि प्रकृति और पुरुष में, प्रकृति मतलब होता है नारी या स्त्री और पुरुष, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों का आपस में अंतर संबंध है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर और सृष्टि, ईश्वर और सृष्टि को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। तो इससे एकरूपता का भ्रम उत्पन्न होता है, इसे कहा जाता है रोमांटिक विडंबना, रोमानी विडंबना। इस तरह विडंबना के कई रूप और अर्थों की चर्चा मिलती है। नई समीक्षा से जुड़े समीक्षक, वास्तव में जो विडंबना शब्द है नई समीक्षा या नियो क्रिटिसिज्म का एक अवधारणात्मक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, और इसके जो प्रमुख समीक्षक है नई समीक्षा के, वारेन, क्लिंथ ब्रुक्स आदि, विडंबना का कई तरह से अर्थ विस्तार करते हैं। ये बताते हैं कि विडंबना के कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। उनकी दृष्टि में विडंबना संरचना में विरोधी स्थितियों को साथ साथ रखना है। इन्होंने विडंबना को कैसे परिभाषित किया है? यदि किसी रचना में दो विरोधी तत्वों को एक साथ रखा जाता है तब उसके कारण विडंबना जन्म लेती है। तो विडंबना वास्तव में जो काव्य अथवा नाटक अथवा उपन्यास या कहानी की संरचना में विद्यमान रहती है विडंबना। इस तरह विडंबना कई प्रकार की साहित्यिक युक्तियों के रूप में प्रयोग एक विशिष्ट साहित्यगत प्रत्यय ठहरती है। इस प्रकार विडंबना क्या है? विडंबना वास्तव में एक लिटरेरी टेक्निक है, साहित्य की एक टेक्निक है, और यह एक विशेष विचारधारा है, है ना? प्रत्यय मतलब विचार या विचारधारा। विस्मय, असमंजस, नाटकीय विडंबना आदि नाट्य शिल्प के महत्वपूर्ण तत्व है, जिसकी सहायता से नाटक के अंत तक कुतूहल और रहस्यात्मकता का निर्वाह होता है और दर्शकों का आकर्षण और जिज्ञासा बराबर बनी रहती है। विडंबना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? विस्मय, असमंजस और नाटकीय विडंबना। विस्मय मतलब आश्चर्यजनक जो बातें घटित होती है नाटक में, असमंजस की स्थिति होती है, कभी नायक या फिर खलनायक सोचता है कि क्या करूं और क्या ना करूं, और विडंबना। इन सभी चीजों के कारण ही दर्शकों में या पाठकों में नाटक के प्रति जिज्ञासा और कौतूहल अंत तक बना रहता है और वे उसके आकर्षण से बंधे हुए अंत तक उसे देखते हैं या फिर पढ़ते हैं और उनके मन में आगे क्या होगा इसके प्रति आकर्षण और जिज्ञासा का भाव बना रहता है। तो यह हो गया। आज जीवन की जटिलताओं की समग्र अनुभूति की अभिव्यक्ति बिना व्यंग विनोद, कटुक्ति और कुटुक्ति तथा विडंबना के संभव नहीं है। आज हमारा जीवन अत्यंत जटिल हो चुका है और यदि हम जीवन की जटिलता को समग्रता के साथ अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो उसे बिना व्यंग के माध्यम से, कटुक्ति मतलब कड़वे वचन और कुटुक्ति मतलब व्यंग और विडंबना के, हम उसको परिलक्षित या परिभाषित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उसके बारे में उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। प्रेमचंद, निराला और मुक्ति बोध ने जीवन की इसी विभीषिका और त्रासदी को समझा था। इसीलिए कफन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन, निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, और मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध की दो कविताएं भूल, गलती और अंधेरे आदि रचनाओं में विडंबना का सफल प्रयोग हुआ है। आपको उदाहरण देना है तभी आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन और निराला की कविता राम की शक्ति पूजा और मुक्ति बोध की कविता भूल, गलती और अंधेरे में विडंबना का सशक्त प्रयोग हुआ है। अब अंत में हम लिख सकते हैं, विडंबना शब्द अंग्रेजी के आयरनी शब्द का हिंदी अनुवाद है। वर्तमान साहित्य में जीवन के किसी भी क्षेत्र की विडंबना को हास्य व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, है ना? वर्तमान साहित्य में विडंबना को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? हास्य व्यंग के माध्यम से। वस्तुतः विडंबना आधुनिक बोध को तथा जीवन बोध को अभिव्यक्त करने की एक सशक्त साहित्यिक प्रविधि है, एक टेक्निक है, है ना? आधुनिक भावबोध जो है जीवन में आधुनिकता को और जीवन बोध को व्यक्त करने के लिए एक सशक्त साहित्यिक प्रविधि है। इसमें शब्दों का ऐसा संयोजन होता है जिससे विडंबना का स्वरूप सशक्त ढंग से उभरता है। हास्य व्यंग के माध्यम से और शब्दों को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि विडंबना सशक्त रूप से उभर कर आती है। प्रेमचंद की कहानी कफन विडंबना का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पिता पुत्र भले ही कफन के पैसों से अपनी उदर पूर्ति कर रहे हों
पर वे पाठकों की घृणा न पाकर सहानुभूति ही पाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है कफन, जिसमें पिता और पुत्र है ना, उसकी पत्नी मर जाती है, उसके मतलब उसकी माँ मर जाती है, तो उसके लिए वो क्या खरीदते हैं, उसके लिए कफन के लिए वे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं है ना, भीख मांग मांग के। और पैसा जब उनके पास इकट्ठा हो जाता है तो इतने भूखे रहते हैं कि कफन खरीदने के बजाय वो उसको खरीद कर खाना खाने लगते हैं। तो वास्तव में इस स्थिति में भी वे पाठकों के घृणा का पात्र नहीं बनते, बल्कि पाठकों की सहानुभूति ही पाते हैं। तो यह भी एक विडंबना है। तो इस प्रकार आपने विसंगति और विडंबना को भलीभांति समझ लिया होगा। और इसका जो पीडीएफ है, इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद।